यहाँ जो इस तरह के कार्य करते हैं उन पर हम कहीं ना कहीं लगाम लगाने का काम करते हैं कि मुंगेर के एमएलए प्रणव कुमार पर आप क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं, इस तरह की राजनीति करके सरकार को बदनाम करना चाहती है। दरअसल उनके ही लोग इस तरह की राजनीति करते रहे हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार है और महागठबंधन की सरकार पे हमेशा ही इल्ज़ाम लगता है कि ये लोग रंगदारी बतियाते हैं, साथ में जंगल राज और कई बड़े ऐसे शब्द हैं जो महागठबंधन की सरकार पर हमेशा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार लगाती है। इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के मुंगेर से विधायक प्रणव कुमार की जो तस्वीरें सामने आ रही है और डॉक्टर से जिस तरीके से उन्होंने बदतमीजी की, तो ये सवाल कहीं ना कहीं उन पर भी उठता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रवक्ता एजाज अहमद है, सीधे जुड़ते हैं। सर, क्या लगता है जिस तरीके से रंगदारी वो बतिया रहे हैं, क्या जंगल राज जो शब्द है वो किस पर बैठता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का परसेप्शन खड़ा करती रही है, दरअसल उनके ही लोग इस तरह की राजनीति करते रहे हैं। ये जिस तरह से मुंगेर के एमएलए का एक वीडियो फुटेज सामने आया है और उसमें डॉक्टरों के साथ जो दुर्व्यवहार करते हुए दिख रहे हैं, ये स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरह की राजनीति करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस तरह की राजनीति करके सरकार को बदनाम करना चाहती है। सरकार के जो बेहतर कार्य हो रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था के प्रति हमारा जो बेहतर कार्य दिख रहा है, उसको कहीं ना कहीं ये रुकावट बनना चाहते हैं और रोक करके जो हमारा उद्देश्य है कि आम जन के लिए हम जो चिकित्सा व्यवस्था बेहतर कर रहे हैं, आम जनों को जो हम दवा उनको अन्य तरह की सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए उन तक ये योजनाएं नहीं पहुंचे, इसके लिए इस तरह का भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, ये दिख रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग सबसे पहले इस बात का जवाब दें कि मुंगेर के एमएलए प्रणव कुमार पर आप क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं, उनके प्रति आपका क्या सोच है, उनके प्रति आप किस तरह का दृष्टि रखते हैं, यह स्पष्ट करना चाहिए। और वो जो कृत्य कर रहे हैं, क्या आप उसको सराहते हैं या उसकी निंदा करते हैं, यह स्पष्ट करना चाहिए। हमारे यहाँ जो इस तरह के कार्य करते हैं उन पर हम कहीं ना कहीं लगाम लगाने का काम करते हैं। एक सवाल रहेगा बीच में कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है राकेश जी, उन्होंने ये कहा है कि पहले आप लोगों को लगाम लगाने चाहिए गोपाल मंडल पर। देखिए, पता है सबको कि गोपाल मंडल जी को भागलपुर डीएम ने नोटिस दिया है, उनको पूछा है कारण कि किन कारणों से आप वहाँ पर इस तरह की बातें कर रहे थे, तो वो जवाब देंगे। उसी तरह से इनके जो प्रणव कुमार ने इस तरह का डॉक्टरों के साथ व्यवहार किया है, डॉक्टरों के साथ जिस तरह का गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल किया, जिस तरह से अभद्रता दिखा है, वो उस पर क्या सोचते हैं, क्या कार्रवाई करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की क्या सोच है, ये स्पष्ट करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जो चाल चरित्र चेहरा है वो स्पष्ट रूप से भाजपा का दिख रहा है, इसलिए बताने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, देखिए, जिस तरीके से एक वीडियो सामने आया है और ये कहीं ना कहीं मुंगेर सदर अस्पताल जंग का मैदान बन गया था, जब बोल सकते विधायक और डॉक्टर आमने सामने हो गए, अब देखना होगा इस पे भारतीय जनता पार्टी का क्या कुछ रिएक्शन आता है। बहरहाल, मेरा नाम स्नेहा गुप्ता है और आप IVTV देख रहे हैं। धन्यवाद। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे नंबरों पर संपर्क।